ताना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको FIR में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सब ब्रांच की, उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से दो उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्होंने रिकवर करने की कोशिश